तो मित्रों यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार, ये दूल्हा शायद अपनी शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर क्या था यार टपक गया। जैसे मित्रों हम लोग चादर को बेड पर बिछाते हैं ना, ठीक वैसे ये दूल्हा बिछ चुका है। लगता है कि 4 पैग ज्यादा लग गए। और यहाँ पर देखो यार, दुल्हन ने अपने बाबू सोना मोना को माला डाली और बाबू ने भी अपनी बाबी को, मेरा मतलब कि अपनी दुल्हन को माला डाल दी। तब यार दूल्हे का कच्छा खुल गया दोस्तों, और जब तक दूल्हे को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कच्छा तो खुल चुका था, तब यार उसने ऊपर कर लिया, वहां पर लाला लाला हो गई। दुल्हन की तरफ देखो, वो बोलती होगी मेरे बाबू का कच्छा खुल गया, जाओ मेरे बाबू का कच्छा खुल गया। मित्रों जब हमारा कच्छा खुलने वाला होता है तो हमारा कच्छा हमें पहले वार्निंग देता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे ऊपर कर लो। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो पता ही नहीं चला कि कब तारा रारा हो गई वहीं पर। अब यहाँ पर देखो यार, दूल्हे के रिश्तेदार बहुत चालू हैं, यानी कि दूल्हे को हाथों पर उठा रखा है। अबे बस करो बस करो, दूल्हे की खोपड़ी छत के साथ टकरा जाएगी और लाला लाला हो जाएगी। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या। अब यहाँ पर देखो यार, दूल्हे को रिश्तेदारों ने उठा लिया। तब यार दुल्हन की तरफ देखो, वो आराम से बैठ गई। बोलती है कि अगर माला डलवानी है तो आ जाना हवेली पर, मतलब कि नीचे आ जाना यार। और दुल्हन की तरफ देखो यार कैसे बैठ गई। अबे तुम्हारा दूल्हा है, थोड़ा तो परेशान करेगा। अब यहाँ पर देखो, इस दुल्हन को लगता है कि इसको अपना बाबू छोना पसंद नहीं आया। देखो यार आराम से माला डाली और साइड को हो गई। अबे फोटो खिंचवानी है फोटो। तभी रिश्तेदारों ने उसे दूल्हे के पास किया, लेकिन वो यार सोफे पर बैठ गई। मित्रों यही शादी से बहुत परेशान है, लगता है कि दुल्हन की तबीयत खराब हो चुकी है। यार होगी क्यों नहीं, दूल्हा उसे पसंद नहीं था तो कर ली तबीयत खराब। और यहाँ पर देखो यार, लगता है कि दूल्हे के पास बहुत पैसा है, यानी कि जमीन जायदाद है। देखो यार एटीट्यूड, यानी कि ढंग से माला नहीं डाल रहा। देखो यार कैसे पूरा एटीट्यूड दिखा रहा है स्टेज के ऊपर। अबे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, यो तुझे इतनी सुशीली दुल्हन मिल चुकी है, नहीं तो कुछ लोगों को तो ऐसी भी नहीं मिलती। और यहाँ पर देखो, दूल्हा जैसे ही माला डालने लगा तब यार उसके दोस्त ने उसका कच्छा खोल दिया। अरे ऐसे दोस्त से तो कुत्ता ही अच्छा। यार भरे मंडप में उसका कच्छा खोल के रख दिया, हो गई वहीं पर लाला लाला। पास बैठी लड़की का रिएक्शन देखो यार, बोलती होगी ओले ओले जीजू का तो कच्छा खुल गया। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इसलिए मित्रों जब भी आपकी शादी होगी तो कच्छा टाइट करके जाएं, ताकि कोई भी आपका कच्छा ना खींच सके और यार ना खुल सके आपका कच्छा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। और यहाँ पर देखो, दुल्हन बहुत ताकतवर थी। मुझे लगा कि यार दूल्हे से नहीं उठाई जाएगी, लेकिन दूल्हा भी बहुत ताकतवर था, यानी कि डोले छोले बनाकर गया था। देखो यार भारी भरकम दुल्हन को उठा लिया। और यहाँ पर देखो, ये दूल्हा सलमान खान बन रहा था, तब यार दुल्हन को उठाने लगा, तब यार वहीं पर लाला लाला हो गई। अभी अगर नहीं उठाई जाती तो रहने देता, क्यों फालतू में पंगा ले लिया। शुक्र है कि यार दुल्हन को रिश्तेदारों ने बचा लिया, नहीं तो उसकी वहीं पर लाला लाला हो जाती, यानी कि यार हो जाता उसका काम तमाम। शादी में ही क्यों लोग ये टपक नहीं जाते, अपनी ही जयमाला में ये भाव बहुत खाते। इतना अच्छा बांधने पर भी कच्छे खुल जाते, खुलने के बाद वो कच्छे पैरों में रुल जाते। अगर ढीला है रहता कच्छा वेल्डिंग करवा लो, वेल्डिंग करके कच्छा अपनी इज्जत बचवा लो। अगर नहीं उठाई जाती वस्तु रहने दे, दुल्हन भी ये बोलती होगी बाबू रहने दे। जयमाला के दिन भी ये बस खेल खेलते हैं, दुल्हा दुल्हन को हाथों में उठा के रेलते हैं। नहीं ढंग से करनी तो ये शादी रुकवा दो, 4-5 लफेड़े मार के लोग ये ठुकवा दो। शादी रुकवा दो, ये अब शादी रुकवा दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए अरे मित्रों, आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो, आपको हंसाने का सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, हंसते रहा करो आप सभी।